सब्सक्राइब करें इजी नुस्खा चैनल को, साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन नुस्खा जो एलोपैथिक मेडिसिन है, हम आज जानेंगे इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉइस्चराइज क्रीम के बारे में जो 100 ग्राम में अवेलेबल है मार्केट में, जिसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है दोस्तों 28 रुपीज, और इसकी एक्सपायरी है दोस्तों 8/2019 इसकी एक्सपायरी है दोस्तों। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाई सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड एंड मार्केटेड बाई रेक्सिन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है दोस्तों, और मार्केट में बेचा जाता है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, इसके वर्क के बारे में जानेंगे, इसके डोजेज के बारे में जानेंगे, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं दोस्तों, आज हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो जैसा मैं बताना चाहता हूँ, मॉइस्चराइज इज एन इमोलिएंट ह्यूमेंटेंट एंड केराटोलाइटिक क्रीम कंटेंट यूरिया लैक्टिक एसिड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड लिक्विड पैराफिन जो इसमें मिला हुआ है दोस्तों, मिलके बना हुआ है। यूरिया एंड लैक्टिक एसिड प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर स्मूथली ड्राई स्किन। दोस्तों जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये मॉइस्चराइज क्रीम है जिसमें इसके इंग्रेडिएंट्स है यूरिया लैक्टिक एसिड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल लिक्विड पैराफिन, जो आपके स्किन को ड्राई स्किन है उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और इसमें आपके स्किन को बहुत ही मुलायम बनाता है, जिससे कि ड्राइनेस को ये ख़त्म करता है दोस्तों, और आपके स्किन को मुलायम बनाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूरिया लैक्टिक एसिड यह हमारे शुष्क त्वचा जो होता है चौथाई तरीके से आपके स्किन को ये लाभ पहुँचाता है दोस्तों, और लैक्टिक एसिड जो केराटोलाइटिक गुणों किसी न किसी स्केल और त्वचा को कम करता है, जिसमें आपकी स्वस्थ पूरी तरह सुरक्षित त्वचा चमकती रहती है दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर हाइपर केरोटेसिस इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी बाहरी त्वचा की परतों को असामान्य घुटने और हियोसिस मृत त्वचा की कोशिकाओं को मोटी व सूखी तराजू में जमा में सूखापन और सूखे मोटा स्केल त्वचा द्वारा तरीके से आपके स्किन के मुख्य घटक को क्रीम पर मुख्य रूप से ये काम करता है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि मॉइस्चराइज क्रीम इज टू बी अप्लाइड टॉपिकली फॉर द करेक्शंस ऑफ हाइपर केराटोसिस एब्डोमिनल थिकनिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन एंड ड्राइनेस इन द इची एंड लाइट कंडीशंस कैरेक्टराइज बाई ड्राई रफ एंड स्केली स्किन। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये कैसे आपके स्किन को बेहतर बनाता है और कितने अच्छे तरीके से आपके स्किन को काम करता है दोस्तों। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं उसके वजह से आपके स्किन के लिए ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है, और ड्राई रफ स्किन हो और जो आपकी स्किन में ईचिंग हो उसके लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदा पहुँचाता है दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूँ कि इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से परिस्थितियों में इसे लगाएंगे दोस्तों। तो आइए मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये कैसे इस्तेमाल करें। ए थिक लेयर क्रीम इज अप्लाइड ट्विस्ट ए डेली आफ्टर वॉशिंग द इफेक्टेड एरिया। द क्रीम इज लेफ्ट ऑन द स्किन 3 से 5 मिनट्स एंड देन रब लाइटली इन एक्सेस क्रीम शुड बी वाइप्ड ऑफ द स्किन विथ ए टिश्यू नॉट वॉश्ड फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी रेड्यूस एज द पेशेंट प्रोग्रेस। तो दोस्तों जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्रीम को लगाने के लिए जो आपके इफेक्टेड एरिया है, जहाँ आपको लग रहा है कि इस जगह पे आपको प्रॉब्लम है, उस जगह पे कम से कम इस क्रीम को 2 बार लगाएं दिन में, और लगाने के बाद कम से कम उसे 3 से 5 मिनट तक त्वचा को छोड़ दें, हल्का त्वचा पे मालिश करें आफ्टर 5 मिनट के बाद दोस्तों, आफ्टर 5 मिनट्स, और उसको छोड़ दें ताकि आपकी स्किन को और ये पूरी तरीके से वर्क करे, उस स्किन पे वर्क करे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है दोस्तों, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और आगे जानने के लिए इजी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें।